इस बार के लोकसभा चुनाव में कई सीटें हैं जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। इस लिस्ट में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का नाम भी है जहां से गठबंधन फॉर्मूला तैयार हुआ था और बीजेपी उपचुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार योगी गोरखपुर की सीट पर जान लगा रहे हैं। बीजेपी ने यहां से भोजपुरी स्टार रवि किशन को टिकट दिया और रवि किशन के समर्थन में बड़े बड़े नेता प्रचार करने पहुंच रहे हैं। योगी को जब भी टाइम मिलता है वो गोरखपुर पहुंच जाते हैं। अब तक वो करीब 15 जनसभाएं कर चुके हैं। दरअसल जब 2017 में गोरखपुर की सीट पर उपचुनाव हुए थे तो अखिलेश और मायावती ने मिलकर प्रवीण निषाद को यहां से मैदान में उतारा था, लेकिन अब प्रवीण निषाद बीजेपी में हैं और उन्हें संत कबीर नगर से मैदान में उतारा गया है। अखिलेश को अभी भी ये लगता है कि जिस रामभुआल निषाद को उन्होंने रवि किशन के सामने उतारा है वो निषाद वोटों को कवर कर लेंगे, लेकिन अखिलेश की यह गलत फहमी भी हो सकती है क्योंकि प्रवीण निषाद की बात गोरखपुर में अलग है और रामभुआल निषाद की अलग। प्रवीण निषाद बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हैं। लोग कहते हैं गोरखपुर में चेहरा रवि किशन का भले है लेकिन उसके पीछे नाम अब योगी आदित्यनाथ का है। खबर है कि वोटिंग के दिन भी योगी गोरखपुर में रहेंगे और योगी को पता है कि उपचुनाव में दलित, निषाद, यादव और मुस्लिम वोट एकजुट हुए थे, जिसके चलते बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला करीब 22,000 वोट से हार गए थे। हालांकि उपचुनाव में वोट प्रतिशत भी बहुत कम रहा था जिसको बीजेपी हार का एक बड़ा कारण बताती है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और योगी अपनी वाली सीट बिल्कुल नहीं हारना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।